दोस्तों, एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की निधन हो गया है। उनका सच में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो सोशल मीडिया और न्यूज़ पे चल रहा है कि उनको सर्वाइकल कैंसर था, ऐसा नहीं है। उनको कैंसर नहीं था, उनके जो परिचित है 1 दिन 2 दिन बाद में फोटोशूट करवा दी थी और आज मृत्यु हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं है। कल ही हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जो है, उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में भारत में जो सुविधा होने वाली है सरकार द्वारा, उसके बारे में बताया था। और आज ही पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि कैंसर किसी को हो सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि उनका सच क्या है। दोस्तों, उन्होंने लिया है ड्रग, बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया और इस वजह से उनका नशे ज़्यादा होने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, ये कन्फर्म है। क्योंकि उनके पुणे के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ओवरडोज लिया है, उसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। ज़्यादा नशा किया है, उस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। 2 फरवरी रात को उनके मैनेजर ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी कि पूनम पांडे का निधन हो गया है। हालांकि उनके परिवार वाले छुप रहे हैं, जहाँ उनको बताया जा रहा है अंतिम संस्कार जो कानपुर यूपी में किया जाएगा। पुणे के जहाँ हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया, नशे की जो ओवरडोज हो गई थी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल के जो चिकित्सक है उनकी तरफ से मृत घोषित कर दिया गया। वहाँ अब उनको ले जाया जाएगा कानपुर, जहाँ उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाकी जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर चल रहा था कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये हकीकत नहीं है। जो उनकी मृत्यु हुई है ओवरडोज की वजह से, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो फोटोशूट करवा रही थी और आज उनकी मृत्यु हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। बाकी जो उनके जो भी परिचित है, जो उनके दोस्त है, वो खुद शॉक है भाई, ऐसा कैसा हो सकता है। बाकी उनके मैनेजर ने कन्फर्म किया कि उनकी मृत्यु होगी, बाकी घर वाले चुप रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी मृत्यु एक ओवरडोज और ज़्यादा नशा करने की वजह से हुई है, ये फिक्स न्यूज़ है और सही न्यूज़ है। दोस्तों, जो सर्वाइकल कैंसर की बताई जा रही है वो बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है।